सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर क्या है जल्दी से आपको बता दें। देखिए बड़ी खबर यूपी का 2020-21 के मुकाबले 2021-22 को लेकर ये खबर है और यूपी सरकार को करोड़ों राजस्व मिला है, 1,47,00,000 से ज्यादा का ये राजस्व है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं यूपी का 2020-21 के मुकाबले 21-22 में सरकार का बजट राजस्व डबल है और यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुनते हैं इस वक्त वो क्या कर रहे हैं। इसलिए इसमें थोड़ा डेफिसिट है लेकिन बाकी सभी मदों में इजाफा हुआ है और ये इजाफा कुल मिलाकर 25,226.62 करोड़ रुपये। इस प्रकार कुल जो हमारा जीएसटी में जो लक्ष्य था 2021-22 का 1,00,000 चार जीएसटी और बैट दोनों का लक्ष्य था 1,04,385 करोड़ रुपए का, उसके अगेंस्ट में 81,652 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। तो जीएसटी और बैट में कुल 78.2% और अगर वृद्धि देखी जाए दोनों को मिलाकर उसमें 14,594.93 करोड़ रुपया की वृद्धि हुई है 2020-21 के मुकाबले में। इस प्रकार जो परसेंटेज है वो 78.2% है। आबकारी में जो लक्ष्य था 41,500 करोड़ रुपए का, उसके अगेंस्ट में 36,321 करोड़ रुपए 321.13 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, ये लक्ष्य के सापेक्ष 87.5%। स्टाम्प और निबंधन में 25,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, इसमें 20,045.68 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई जो 3,573.85 करोड़ रुपए की वृद्धि है और 78.6% इसमें इजाफा हुआ है पिछले वर्ष के मुकाबले। परिवहन में 9,350 करोड़ रुपए का लक्ष्य था जिसके अगेंस्ट में 7,159.38 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, ये लक्ष्य के सापेक्ष 76.6% की प्राप्ति है। कुल 1,253 करोड़ 43 लाख रुपए का इजाफा उसमें हुआ था। कुल जो हमारा मार्च तक लक्ष्य था 1,80,735 करोड़ रुपए का प्राप्ति का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 1,45,178.51 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई, ये लक्ष्य के सापेक्ष 80.3% की प्राप्ति हुई। केवल भूतत्व और खनिकर्म में हमको 456.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये लक्ष्य के सापेक्ष 59.2% की प्राप्ति हुई जिसका लक्ष्य था 4,500 करोड़ रुपए और प्राप्ति हुई है 2,664.5 करोड़।